लाइक कीजिए और बस देखिए। आज आपको बताने जा रहे हैं किस तरीके से घर बैठे बैठे आप अपनी लेग्स को शेप अप कर सकते हैं। अक्सर हम एक्सरसाइजेस कुछ ऐसे करते हैं कि पेट की या आर्म्स की एंड लेग्स आर द मोस्ट निग्लेक्टेड पार्ट। तो आप लेग्स को कैसे शेप अप कर सकते हैं, कुछ ऐसी बहुत ही फायदेमंद एक्सरसाइजेस आज आपको दिखाती हूँ। सबसे पहली है स्क्वाट, वेरी सिंपल। कुछ इस तरीके से आपको नीचे और ऊपर उठना है जैसे कि आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं। नाउ थिंग्स टू बी नोटेड, ये जो नीज हैं वो आगे की ओर नहीं जाएंगी, हिप्स पीछे की ओर जाएंगे जैसे आप कुर्सी पर बैठते वक्त करते हैं। एंड आप पूरा नहीं बैठेंगे, गो डाउन टिल 90 डिग्री एंगल। सो इसको बैक को स्ट्रेट रखने के लिए या बैक पे स्ट्रेन ना आए उसके लिए मैं क्या करूंगी, ये बॉल दीवार पर इस तरीके से अपने पीछे रख लूंगी। अब आप देखेंगे मैं बिल्कुल सीधा नीचे जा सकती हूँ एंड मेरे बैक पे स्ट्रेन भी नहीं आएगा, तो ये मुझे एक सपोर्ट मिल जाता है और मेरी एक्सरसाइज को मोर इफेक्टिव बना देता है। अगर आपके पास बॉल नहीं है तो भी आप यही एक्सरसाइज दीवार के साथ पैरों को थोड़ा सा आगे एंड देन यू स्लाइड डाउन, बॉल थोड़ा स्लाइड डाउन में हेल्प कर देता है। अभी आप खुद से उठेंगे लेकिन दीवार की सपोर्ट से आपकी बैक सीधी हो जाती है। सेकेंड एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है, दीज आर कॉल्ड लंजेस। एक पैर आगे और दूसरा पीछे की ओर। अब पीछे वाला पैर जो है उसकी हील हमेशा उठी रहेगी, काफी पीछे लेके जाएंगे एंड यू गो स्ट्रेट अप एंड डाउन। ध्यान रहे हील नीचे ना जाए, आप आगे और पीछे नहीं हो रहे हैं, आप ऊपर और सीधा नीचे। अगर आप चाहें तो किसी कुर्सी की या बॉल की सपोर्ट आगे रखकर इस तरीके से ऊपर और नीचे जा सकते हैं। जरूरी है कि ये एक्सरसाइज दोनों तरफ दोनों पैरों पर की जाए। तीसरी एक्सरसाइज इट्स कॉल्ड प्लिए, ये इनर थाइस पे बहुत इफेक्टिव है। अब आप पैर थोड़े वाइडर एंड बाहर की ओर, इसको आप नीचे जैसे भरतनाट्यम या बैले डांसर्स वाइडर एंड डाउन, ट्राइंग टू कीप द बैक स्ट्रेट। इस एक्सरसाइज को अगर आप और चैलेंजिंग बनाना चाहें तो अपनी हील्स उठाकर